अच्छा, जो हमारे देखने वाले हैं उनकी दिलचस्पी के लिए थोड़े समय ये चाहता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन में इजाफा करें आप, कि जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग यहाँ आके करेंगे क्या, हम लोग कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें हम आके यहाँ बिजनेस करें, क्या ऐसे मामलात हैं। मुझसे भी कई लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये बेहतर लगता है कि जो एक बंदा प्रोफेशनल काम कर रहा है उसी से ये इन्फॉर्मेशन जानी जाए कि यहाँ पे आके कौन सी लोकेशन जो है वो बेस्ट है काम के हवाले से, कौन सा काम जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल है, और कौन सी लोकेशन जो है वो फैमिलीज़ के लिए सूट करती है, जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन फैमिलीज़ हैं। प्लीज़ आप उनके हवाले से थोड़ा सा बताएँ। अच्छा जी, पहले तो मैं अपने 3.5 साल तजर्बे की रोशनी में आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप अपने इस वक्त के जहाँ आपका क़याम है उस मुल्क में आप तंग हैं और आपने तय कर लिया है कि हमने निकलना ही निकलना है, ठीक है, अपने मुल्क से हिजरत करनी है अच्छे मुस्तकबिल की खातर, बच्चों की अच्छी तालीम की खातर, तो तुर्की के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपकी उस लोकेशन से बहुत अच्छा होगा, और यूरोप, यूके, यूएसए उससे अभी ये खासा पीछे है। जो लोग यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, या जिनके अजीज़ वहाँ रह रहे हैं और वो उनको कमाता हुआ, उनको सेव करता हुआ देख रहे हैं, तो वो उस चक्कर में बेशक तुर्की ना आए। पहली बात तो ये, यानी जो उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत कम है अभी तुर्की का, ठीक है, और यानी एक लीरा जो है 12-13 रुपए का आजकल है, और जबकि एक पाउंड जो है वो 200 से ज़्यादा का है, एक डॉलर जो है वो 180 से ज़्यादा का है, एक यूरो जो है वो 200 के करीब है, ठीक है। तो असल में जो ये करेंसी एक्सचेंज रेट है, मेहनत आप यहाँ भी उतनी करेंगे यूरोप में भी उतनी करेंगे, लेकिन जो करेंसी एक्सचेंज रेट है जब वो मल्टीप्लाई होकर पाकिस्तान जाएगा, आपके पीछे फैमिली के पास जाएगा, तो वो ज़्यादा आप रेमिटेंस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सेस है कि आप यूरोप जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, और वहाँ जाके आपको ये मेहनत मजदूरी काम धंधा बिजनेस जॉब जो भी है वो आपकी वहाँ पे एक्सेस है, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाइए। लेकिन अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है, अगर आपके पास इतना प्रोफाइल नहीं है कि यूरोप का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाए, तो फिर आपके पास तुर्की एक बेस्ट ऑप्शन है। आप तुर्की आइए, बहुत इजी वीज़ा है, और यहाँ पे उसको वीज़े को कन्वर्ट करना जो है, जैसे मैंने पहले बताया TRC वगैरह, वो भी आसान है बनिस्बत यूरोप के। यानी दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो कि जो आपको विजिट वीज़ा दे, और जब आप विजिट पे वहाँ पहुँचे और वो आपको कहे कि आप इसको कन्वर्ट कर लें, आप इसको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर लें, आप इसको वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो ये सारी सर्विसेज जो है वो तुर्की देता है, और तुर्की चाहता है कि फॉरनर्स यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके बिजनेस करें, इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि तुर्की जॉब के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप आए बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास हर बिजनेस मॉडल हर बंदे के ऊपर फिट नहीं हो सकता, डिपेंड करता है कि आपके पास सरमाया कितना है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है बिजनेस के अंदर। मोटी मोटी एक जनरल चीज़ मैं कह देता हूँ कि बिज़नेस की उमूमन 3 बड़ी कैटेगरीज होती हैं, या आप बिज़नेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, या आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या आप सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो तुर्की इस वक्त फॉरनर्स के लिए इन तीनों हवालों से बहुत बेनिफिशियल है, मोतबर नाम है। आप अगर आके यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग करना चाहें तो आप सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं, सिर्फ आपके पास क्लाइंट होना चाहिए कि आपने वो चीज़ बना के बेचनी किधर है। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए जगह मिलेगी, इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं, बहुत सस्ती जगह हैं और गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसके बाद आपको हर तरह की मशीनरी मिलेगी, आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी, आपको बिजली पानी गैस बिला तातुल और बहुत अच्छे नरखों के ऊपर ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी इंडस्ट्री के फलने फूलने के लिए, आपको खाम माल लाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट कहीं पे बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, रोड्स की ज़रूरत होती है, पोर्ट्स की ज़रूरत होती है, एयर शिपिंग की ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उसमें सिर्फ मेरी एक गुजारिश ही होगी कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो भी करें आप उसका टारगेट जो है वो तुर्की से एक्सपोर्ट रखें। अगर आप मार्केट के अंदर उसको सेल करना चाहेंगे तो जो आपके साथ जो कंपेटिटर होगा, जो टर्क होगा, उसको एक होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल होगा।
तो आप जो भी चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, आप उसको इस अंदाज से सोचें कि आपने उसको एक्सपोर्ट करना है यूरोप को, यूके को, यूएसए को, गल्फ को, अफ्रीका को। यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त बाज़ लोग तुर्की को मिनी चाइना भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारी बालकान स्टेट्स जो खिलाफत उस्मानिया में इनके साथ थी, सारी तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अफ्रीका है, गल्फ है, पूरा यूरोप है, यूके है, यूएसए, हर जगह पे एक्सपोर्ट्स हो रही हैं तुर्की से। तो आप आएँ, मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, हम आपको उसमें सारी फैसिलिटेशन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आप आ जाए ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग में आप बाहर से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, यूरोप से बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, चाइना से हो रही हैं, पाकिस्तान से हो रही हैं, बहुत सारी जगहों से इम्पोर्ट भी हो रही हैं। लेकिन इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इम्पोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करना चाहें तो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा कि आप इम्पोर्ट करके किसी को बेचना चाहेंगे यहाँ पे, तो आपके साथ और कंपेटिटर्स मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से बाय करके आपके पास क्लाइंट पहले से मौजूद है, तो क्वालिटी और प्राइस में ये दोनों आपको हवालों से चाइना को और बाकी यूरोप को कम्पीट कर सकते हैं। यूरोप से तो खैर बहुत सस्ता है तुर्की, चाइना से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन क्वालिटी भी उस लिहाज से बहुत अच्छी है। तो यानी ट्रेडिंग में आप दुनिया जहान की चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस पूरी दुनिया को आप भिजवा सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है और कहाँ पे बेचनी है। अगर आपके पास क्लाइंट मौजूद है या आप क्लाइंट निकाल सकते हैं, क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकते हैं, तो आप तुर्की आ जाएं, आप तुर्की से बैठ के ट्रेडिंग करें। इस्तांबुल में, अंकारा में, कोनिया में, इज़मिर में, सारे के सारे शहर जो हैं इनके इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। हर शहर की कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप चाहे तो कुछ चीज़ों का सेट बना सकते हैं कि मैंने इन सेक्टर्स के अंदर काम करना है, मसलन टेक्सटाइल में करना है, फूड में करना है, ज्वेलरी में करना है, मेकअप में करना है, और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका बड़ा सेक्टर आ जाता है सर्विसेज का। सर्विसेज के अंदर भी अगर आप कोई भी सेक्टर पैसा बनाएं, फॉर एग्जांपल आप टूरिज्म में आ जाते हैं, आप हेल्थ में आ जाते हैं, आप एजुकेशन में आ जाते हैं, आप रियल एस्टेट में आ जाते हैं, या इस तरह की और जितनी भी सर्विसेज हैं इनके अंदर आप आ जाते हैं, और आप उन सारी सर्विसेज का जो टारगेट क्लाइंट है वो आप फॉरनर रखते हैं, तो आप उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप वही सारी सर्विसेज जो हैं वो किसी तुर्किश को बेचने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर का सामना करना पड़ेगा। जबकि यही सारी सर्विसेज आप फॉरनर्स को बहुत आसानी के साथ सेल कर सकते हैं, और उसमें आपको ये एज होगा कि आपके मुकाबले पे जो तुर्क एक सेल कर रहा है ये सारी सर्विसेज, तो आपको लैंग्वेज का और अपने लोगों जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक मजबूत रابطہ और एक मजबूत एतमाद होने की हैसियत में वो एज आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, इन तीनों सेक्टर्स में आप आके कोई भी यहाँ पे सेटअप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। सर्विसेज के अंदर टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर मौजूद है। अगर आपके पास सरमाया है आप होटलिंग में आ जाएं, आप रेस्टोरेंट में आ जाएं, आप टूर कंपनी बना लें, पूरी दुनिया से टूर्स लेके आए, यहाँ पे उनको मैनेज करें, तो बहुत ज़्यादा काम है। आप काम करने वाले बने, आपके पास एक तो सरमाया होना चाहिए, और सरमाए के हवाले से मैं जितने लोग आते हैं उनको ये कहता हूँ कि आप कम ऐसा कोई चीज़ प्लान करें जिसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, कि उसमें आपका आगाज में सरमाया जो है वो कम से कम लगे और आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो, कि आप नई जगह पे आएँ, आप कोई सेटअप शुरू करें, अगर खुदा ना हादसा वो सेटअप नहीं चलता तो आपको उसमें नुकसान जो है, खसारा जो है वो कम से कम हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि थोड़े सरमाए के साथ कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाना, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नहीं बनाना, कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाना कि जिस पे आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो पहले दिन से शुरू हो जाए। यानी आपका रेंट है, आपकी सैलरीज हैं, आपकी यूटिलिटीज़ हैं, आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो पहले दिन से शुरू हो जाए। हाँ, आपके पास बड़ा सरमाया है, बड़े सरमाए से मेरी मुराद है कम अज़ कम $1 million। अगर आपके पास $1 million है तो फिर आप इस तरह के किसी सेटअप में आएँ कि आप रेंटल कोई होटल ले लें, रेस्टोरेंट ले लें और उस पर आप कोई चीज़ बनाएं। इससे कम आपके पास पैसे हैं तो जैसे बहुत सारे लोग आते हैं
पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बना लिया जी, कैफ़े बना लिया जी, कोई शॉप बना ली, कोई स्टोर बना लिया, ये चीज़ें आप नहीं करें। क्योंकि अगर खुदा ना हादसा आपने इस तरह का कोई सेटअप बनाया, पहले दिन से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दे दिए, किराए दे दिए, सैलरीज जाना शुरू हो गई, यूटिलिटी बिल्स शुरू हो गए, और उमूमन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार शुरू में तो हमें लगाना पड़ता है, पास से लगाना पड़ता है, फिर 6 महीने साल बाद आपका जो है वो प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो अगर वो 4-6 महीने साल बाद आपकी एक्सपेक्टेड जो सेल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो नहीं होती और आपको वो काम बंद करना पड़ता है, तो उस सूरत में वो पूरे का पूरा आपका लॉस हो जाता है, आपको सब कुछ हाथ झाड़ के वहाँ से उठना पड़ता है। तो काम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट कोई ना हो। जैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में आप आ जाते हैं तो आपके पल्ले से कुछ नहीं लग रहा, आपके पास सिर्फ 6 महीने का एक बजट होना चाहिए आपके अपने रहने का, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो अकेले, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फैमिली के साथ, और 6 महीने का आपका एक्सपेंस होना चाहिए मिनिमम, जो एक कंपनी को चलाने का एक्सपेंस होता है, जिसमें आप शुरू में वर्चुअल ऑफिस भी ले सकते हैं और उसका एक अकाउंटेंट है, एक उसका टैक्स है, 3-4 चीज़ें हैं, बहुत कम 20-25 हज़ार रुपये पाकिस्तानी में आपकी कंपनी का महाना एक्सपेंस है। तो 6 महीने का आपके पास जो है वो होना चाहिए अखराजात आपके अपने लिविंग का और आपकी कंपनी की लिविंग का। उसके बाद ट्रेडिंग में आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, ट्रेडिंग इट्स जस्ट लाइक अ मिडल मैन, कि आपने मैन्युफैक्चरर से चीज़ उठानी है और एंड बायर जो है उसको आपने बेचनी है, एक्सपोर्ट करनी है। अगर आप उस पर मेहनत करते हैं, मेहनत कामयाब हो जाती है, आपको अच्छी पार्टीज मिल जाती हैं, अच्छी डील्स बन जाती हैं, आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। सही। अगर आप मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन खुदा ना हादसा आपकी कोई लाइन सेट नहीं होती, तो सिर्फ आपकी मेहनत का नुकसान होगा। ठीक है, उस तरह के सेटअप में जिसमें आप रेंट पे कुछ चीज़ लेके दुकान रेस्टोरेंट चीज़ें लेके बैठ जाएंगे, उस सूरत में अगर आप फ्लॉप होते हैं, मेहनत करते हैं, वो कामयाब नहीं होता, तो आपका साथ साथ मेहनत भी ज़ाया होगी, साथ साथ आपका सरमाया भी ज़ाया होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ आपने प्लान करनी है वो इस तरह से प्लान करें कि कम अज़ कम सरमाया, कम अज़ कम रिस्क और मेहनत आपकी ज़्यादा होती है। सही सही, आपकी ये जो गुफ्तगू है, आप यकीन कीजिए मैंने इससे पहले कभी किसी को इतने गहराई में जाके जो है वजाहत जो है एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत अच्छी माशाल्लाह, और यकीनन जो लोग देख रहे हैं ज़रूर इससे जो है वो फ़ायदा उठाएंगे कि हमें कैसे प्लान्स करके आना है। मुझे एक और जो है पॉइंट मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैंने सोचा कि आपसे वो भी पूछूं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो भाई लोग हैं पाकिस्तान से आते हैं, वो मुझसे कई अक्सर शेयर कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कि वासिक भाई हमें ये जो है वर्क परमिट ये कंपनी जो है ये ऑफ़र कर रही है, ये हमें वीज़ा आया हुआ है तो हम इस पर अप्लाई करते हैं। मैं तो ज़ाती तौर पर जो तजर्बा मेरा था, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि मैं मुझे नहीं लगता कि ये एग्जैक्टली होगा। आप मुझे इसमें बताइए कि वाकई जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट जो यूथ है, कितने उनके अरमान होते हैं, कितने वो अपने किस किस हालात से वो निकल कर दूसरे मुल्कों में आकर एडजस्ट होना चाह रहे होते हैं, और तो क्या ये जो वे है, क्या ये लीगल है, क्या जो लोग वहाँ पे जो है एजेंट्री जो है वर्क परमिट के बारे में जो है प्रमोशन कर रही है, क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? प्लीज़ इसमें जो है ये आपका मैसेज लास्ट मैसेज होगा, लेकिन आप इसको क्लियरली बता दें कि हकीकत क्या है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे टूरिज़्म और ट्रैवल के हवाले से हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, तौसीफ भाई जो हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं इन चीज़ों को, तो आप मुझे इस बात को बताएँ प्लीज़, के ताकि लोगों का भला हो सके। प्लीज़ भाई लोग ये मेरे हाथ देखें, ठीक है, एजेंट हजरात भी और जो हजरात इन एजेंटों के झांसे में आना चाह रहे हैं वो भी, खुदा का नाम है यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो धड़ाधड़ वर्क परमिट बेच रही हो। आप एक छोटी सी बात जो है उसको जेहन में रखें कि इस वक्त आप गूगल पे लिखें अनएम्प्लॉयमेंट इन टर्की, गूगल हजरत जो गूगल हैं वो आपको बताएंगे कि 13 से लेकर 15% तक अनएम्प्लॉयमेंट है खुद टर्किश पॉपुलेशन के अंदर। वो तुर्क नौजवान जिसके पास डिग्री है, जो काम करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, 100 में से 13 से 15 लोगों के पास जॉब नहीं है। तो अगर कोई कंपनी जो है, ये मेरे साथ एक दोस्त है, उन्होंने निकाल के भी सामने रख दिया, ठीक है, 13.92% जो है अभी बेरोजगारी है तुर्की के अंदर।
तो अगर किसी कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे तो भाई आप कुछ थोड़ा सा खुद खुदा का खौफ करें कि वो तुर्क नौजवानों को छोड़ के जिनको ज़ुबान भी आती है, जिनको सारी उनकी पता भी है चीज़ों का, वो उनको छोड़ के वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से वर्कफोर्स क्यों मंगवाएंगे। तुर्की दुबई नहीं है, तुर्की सऊदी अरब नहीं है कि जहाँ से एक कंपनी दो दो चार चार सौ हज़ार हज़ार वीज़े निकालते थे और वो वहाँ एजेंट जाके बेचते थे और वहाँ से वीज़े लेके आ जाते थे। तो मेरे पास भी इस तरह की बहुत सारी रिक्वेस्टें आती हैं और मैं उसका, वो कहते हैं ना कि ख़त का लिफाफा देख के उसका मजमून बांप लेना, तो भाई वो इस तरह का कोई लेटर आते साथ ही मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उमूमन एक यहाँ पे कंपनी है ओपेट, पेट्रोलियम कंपनी है ओपेट, जैसे शेल है हमारे यहाँ, शेल के भी आते हैं ओपेट के भी आते हैं, तो वो ऑफर लेटर्स जो हैं वो लोग हमें भेज देते हैं कि ये हमारी, हत्ता कि मैंने एक दफ़ा इसी किसी इंक्वायरी के चक्कर में ओपेट से भी मालूमात ली थी और उन्होंने भी डिनाई किया था कि हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर टर्किश एम्बेसी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप सर्च करें अभी टर्किश एम्बेसी इन इस्लामाबाद, और उनका फेसबुक पेज आप खोलें, उसके ऊपर भी उन्होंने ये ऐलान लगाया हुआ है कि हमारे नाम के ऊपर कुछ लोग तुर्की का वर्क परमिट बेच रहे हैं और ये फ्रॉडिए हैं और इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बल्कि वो जो ऐलानात फेसबुक के ऊपर शेयर हो रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट्स, वो तक तुर्किश एम्बेसी ने अपने फेसबुक के ऊपर लगाई हुई है। तो मेरे भाई, मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पे इतने साजगार हालात नहीं हैं जॉब के हवाले से और ख़ुद तुर्क कौम भी अभी बेरोज़गारी का शिकार है, तो पाकिस्तान में किसी एजेंट को पैसे ना दें। हाँ, कुछ जो वाक़यात मैंने देखे हैं वो ये करते हैं, किसी तुर्किश कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया, उन्हें कहा जी ठीक है हम आपकी तरफ से वीज़ा अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट बंदे को लेकर देंगे, अब वो बंदा आके यहाँ पे जॉब नहीं करेगा लेकिन वो होगा आपका एम्प्लॉई, ये कुछ केसेस मैंने देखे हैं। और जो कंपनी ने टैक्स पे करना होता है, महाना सिक्योरिटी इंश्योरेंस पे करनी होती है, वो बंदा भी वो खुद आके पे करेगा। और आप ये देखें कि वो आके जॉब नहीं कर रहा उस कंपनी के अंदर और वो अपनी इंश्योरेंस खुद पे करेगा, 1200-1400 लीरा जो है वो उसकी महाना इंश्योरेंस है अभी एक बंदे की। तो वो बेचारा आ जाएगा, वर्क परमिट उसको मिल जाएगा, 5-6 लाख-8 लाख रुपया वो पाकिस्तान में दे के आ जाएगा, यहाँ वो कंपनी उसका वर्क परमिट भी बना देगी, लेकिन ना उसकी जॉब होगी, ना उसको सैलरी मिलेगी और ना उसकी कंपनी उसकी इंश्योरेंस पे करेगी, बल्कि कंपनी उसको फोर्स करेगी कि अगर आपने ये वर्क परमिट रखना है तो आप इस पर अपना इंश्योरेंस खुद पे करो। अब वो जाएगा किसी फैक्ट्री में, वो 3000-5000 लीरा के ऊपर जॉब करेगा और उसमें से 1000-1200-1500 लीरा जो है वो अपनी इंश्योरेंस पे करेगा, उसी के अंदर वो खाए पिएगा भी और उसी के अंदर वो गुजारा करेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, ये देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं जी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका पैसा जो है वो हराम का नहीं है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई स्टेप लें ऐसा तो ये सोच समझ के लें, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे कम्युनिटी आती है यही जो यंगस्टर्स हैं यही सोच के कि हाँ जी हम यहाँ पे आएंगे अपने पेरेंट्स को वहाँ लुक आफ्टर करेंगे फैमिली को, तो उसके लिए इतनी दूर आएँ और उसके बाद ये आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़े, तो उससे बराह करम अब देखें ये रियलिटी है, यकीन कीजिए। ऐसा ही जो है मैंने भी यही सब चीज़ें देखी हैं कि ऐसा ही वाक़े हैं, वर्क परमिट नहीं देते वहाँ से, कोई शाज़ो नादर होगा, जैसे मुझे कोई वर्क परमिट मिल गया ऐसे कोई हज़ारों में से कोई एक होगा केस के उनको मिल जाता होगा यकीनन। लेकिन आप ये देखिए कि अब जो वक्त जा रहा है, जो यहाँ पे इतने मसले मसाइल हैं, तो इसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि टर्किश गवर्नमेंट है या टर्किश जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आगे कहीं दूसरे मुल्कों से बाकी जो है रोज़गार के हवाले से तलाश करें, सवाए शाज़ो नादर कोई मामलात हों जिसमें ज़रूरत हो। लेकिन सारी चीज़ों की एक बात जो मैं अक्सर वीडियो में कहता होता हूँ कि अगर आपको यहाँ की ज़बान नहीं आती तो आप इनकी डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मुतासिर है, आपका अगर कहीं काम करना है वो भी मुतासिर है, इसके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको डोज़ ना लगे और आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कम से कम जो है वो माइनस में जाए आपके जो है मतलब वे ऑफ लिविंग जो है उसके, तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज जो है वो सीख कर आएँ, कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, 8-10 महीने लगते हैं अगर आपको यहाँ की बेसिक सीखनी है।
तो खैर ये बातें तो माशाल्लाह चलती रहेंगी। मैंने बहुत कुछ जानना चाहा था और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी आज बातचीत हुई उसमें बहुत कुछ जानने को मिला माशाल्लाह। आखिर में थोड़ा सा मज़ाया गुफ्तगू हो जाए यानी एंड कर रहा हूँ तो कि मतलब अगर कोई मेरे तवस्सुत से या मेरे YouTube की वीडियो देखने से आपके पास कोई आता है तो क्या आप उनको मेरे हवाले से कोई डिस्काउंट या कोई अच्छी उसमें मार्जिन रखेंगे क्या? थोड़ा सा वासिक भाई हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और ये अक्सर अपने दोस्तों को रिकमेंड करते रहते हैं टूरिज़म के हवाले से, रियल इस्टेट के हवाले से। तो यानी छुरी तो हमने पहले भी नहीं रखी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जो यानी एक जेन्युइन चीज़ होती है पहले बता के करते हैं कि ये आपसे सर्विस चार्जेस हम लेंगे और ये चीज़ आपको देंगे। अच्छा, अब जिस जैसे मेरी गुफ्तगू चल रही थी तो इसमें भाई तौसीफ भाई के साथ एक और भी दोस्त हैं वो आए हैं, मुझे खुशी होगी अगर वो भी इस वीडियो का हिस्सा बने तो मैं अब उनकी तरफ जो है आगे स्विच कर रहा हूँ तो ये बताएँगे कि ये कहाँ से हैं और क्या ये क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर रफ़ी है और मैं पाकिस्तान में कराची में रिहाइश है मेरी और मैं टर्की काफ़ी ऑफन पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल में आता जाता रहता हूँ और यहाँ क़याम भी रहता है काफ़ी। और सबसे पहले तो मैं वासिक भाई को मुबारकबाद दूंगा, उनके 5 साल यहाँ माशाल्लाह टर्की में कम्प्लीट हुए हैं और आज समझ लें उसी की छोटी सी सेलिब्रेशन है। और वासिक भाई का भी और तौसीफ भाई का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी वसात से जो है आज मैंने ये टर्की का जो शहर है ट्रैप जोन और उससे जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ जिस खूबसूरत जगह के ऊपर, तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं देखने को मिल रहे हैं, तो इन दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। दुनिया में काफ़ी ममालिक घूमने का 17-18 ममालिक मैंने घूमे हैं, यूरोप साइड पर भी, फार ईस्ट और मिडल ईस्ट में भी। और मैं तौसीफ भाई की बात को जो है सेकंड करूंगा कि अगर आपने मतलब बहुत सारे दुनिया के ममालिक देखे हैं तो जैसे लाहौर के बारे में कहते हैं ना कि तुर्की नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा आपने, यानी तुर्की जो है एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर आपको जदीद और आपका जो अपना इस्लामिक कल्चर है उसके हमांगी यहाँ बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। मेरे ख्याल में बहुत कम ही ममालिक दुनिया में ऐसे हैं कि जहाँ एक बहुत तारीखी हवाले से और जदीद दुनिया जो है वो यकजा हुई हो, तो तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर आपको जो है ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी और मुझे खुशी है कि इस वीडियो का हिस्सा आप बने, तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि तौसीफ भाई जो हैं वहाँ पे क्या इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं माशाल्लाह, और बड़े ही अहसन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ रहे हैं ये, जो इनकी बात मुझे अच्छी लगती है ज़ाती तौर पे कि ये ट्रांसपेरेंट बात करते हैं, जो चीज़ हकीकत है जो हकाइक हैं वो सामने रखते हैं, जो कि मैं इसी वजह से मजबूर हुआ कि मैं इनको अपने यूट्यूब के वीडियोज़ का हिस्सा बनाऊँ। तो आखिर में तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और मुझे काफ़ी अरसे के बाद जो है ये महसूस हुआ कि मतलब जैसे आप अपनी कम्युनिटी में बैठे हैं, क्योंकि जैसे आप लोग भी सब जानते हैं कि मेरा 5 साल से तकरीबन तुर्कों के साथ ही मेरा जो है मिलना जुलना उठना बैठना है, तो उसमें एक हिस्सा बने मेरे अपने और बड़े खूबसूरत अंदाज़ में। यकीनन ये वीडियो जो है ये एक भलाई और किसी की फेवर का ज़ामिन साबित होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोगों का और मेरा ख़ासकर यही मकसद है कि भलाइयाँ हो जाएं जितनी हो सकती हैं, क्योंकि ये दुनिया ये वक्त ये मामलात ये आर्जी हैं, हमें एक दिन यहाँ से लौट के जाना है तो हम लोगों के लिए अच्छा कर जाएं। तो मैं इसके साथ ही एंड करता हूँ अपनी वीडियो को। अपना रखें ख्याल और दुआओं में याद रखें और रमज़ान में जितना हो सकता है इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें। मुझे दें इजाज़त और खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।